मोहाली पुलिस थाने में एक महिला ने दहेज की मांग को लेकर तंग और परेशान करने का मामला दर्ज करवाया। पाली पुलिस थाने में लुणावा की एक महिला ने 5 लोगों के विरुद्ध रिपोर्ट दी कि शादी के बाद से ही कुल 5 लोगों द्वारा दहेज की मांग को लेकर तंग व परेशान करना व स्त्री धन हड़पने का मामला दर्ज करवाया। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को 15 अक्टूबर के बाद चरणबद्ध तरीके से स्कूल और कोचिंग सेंटर खोलने की अनुमति देने के बाद शिक्षा मंत्रालय ने इन्हें खोलने को लेकर गाइडलाइन जारी की हैं। इनमें उपस्थिति और तबियत संबंधित अवकाश की नीति को फ्लेक्सिबल बनाने और विद्यार्थियों को स्कूल में उपस्थित होने की जगह ऑनलाइन शिक्षा की अनुमति देना शामिल है। खुड़ाला स्थित मुख्य बगीचे के पास स्थानीय प्रशासन द्वारा लापरवाही और अनदेखी के कारण खुले पड़े नाले में गाय गिरने से गाय की हुई मौत। यह नाला जगह जगह से स्थानीय प्रशासन की अनदेखी के कारण पड़ा है खुला, जो हमेशा हादसों को देता है निमंत्रण। बाली उपखंड क्षेत्र के ग्राम पंचायत मिर्गेश्वर के करणवा गांव में जवाई जल परियोजना के अंतर्गत टंकी निर्माण का कार्य करणवा गांव में पूर्ण होने के बाद कलर कार्य हुआ, जिसमें लगातार तीव्र गति से कार्य चल रहा है। कुछ ही समय में यह कार्य पूर्ण होने वाला है। यह जवाई जल परियोजना के अंतर्गत आता है। बाली उपखंड के नाना गांव में भीमाणा रोड पर राजस्थान मरुद्रा ग्रामीण बैंक ग्राहक सेवा केंद्र का शुभारंभ शाखा प्रबंधक MC जामनानी ने किया। इस दौरान कैशियर प्रवीण कुमार, हितल राज पुरोहित, अनु राज पुरोहित, SBI प्रवीण सिंह राव, सिराज मेमन, वीरेंद्र कुमार, मोहब्बत इरफान, जनप्रतिनिधि ग्रामीणों की उपस्थिति में ग्राहक सेवा केंद्र का उद्घाटन हुआ एवं कार्यक्रम संचालन विशाल सिंह कुंपावत द्वारा किया गया। इस केंद्र के शुभारंभ से ग्रामीणों को बैंक संबंधित कार्यों में सुविधा मिल सकेगी। शाखा प्रबंधक MC जामनानी द्वारा प्रधानमंत्री बीमा योजना की जानकारी दी गई। बाली में राजस्थान राज्य कर्मचारी महासंघ उप शाखा बाली का नवीन कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण कार्यक्रम बाली में रखा गया। ब्लॉक अध्यक्ष बलवीर सिंह राणावत ने बताया कि ब्लॉक स्तर पर गठित नवीन कार्यकारिणी का जिला अध्यक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ की उपस्थिति में समस्त सदस्यों को माल्यार्पण कर स्वागत किया गया व शपथ दिलाई गई। मीना समाज द्वारा आज राज्यपाल व मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि ग्राम कानपुरा पंचायत समिति सुमेरपुर जिला पाली में मुपाराम मीना का कुएं से सब बाहर निकालने को लेकर मांग की, जिसको लेकर बताया कि समाज का श्रमिक 27 सितंबर के दिन कानपुर निवासी ईश्वर सिंह के कुएं पर मजदूरी करने गया था, जो कुआं ढहने से मिट्टी के अंदर धस गया, जिसकी आज दिन तक लगभग मृत्यु हो गई होगी, लेकिन कुएं ढहने से मिट्टी ऊपर आ गई थी, जिसके कारण मुपाराम की बॉडी अभी तक अंदर ही दबी हुई है, लेकिन सामाजिक हिंदू रीति रिवाज से उनका अंतिम संस्कार नहीं करवाया गया। इसको लेकर शव को कुएं से बाहर निकालने को लेकर ज्ञापन सौंपा।